कई दोस्त आते हैं, ख्वातीन भी आती हैं जी, बड़ी परेशानियाँ हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं, सब कुछ है, बड़ी परेशानी है। मैंने कहा बीबी आप इम्तिहान दे रही हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए कोई रिफ़्रेशमेंट तो नहीं होती, बल्कि आपको खुद खुद फड्डे में डाला जाता है। अच्छी खास से आसान चीज़ को उल्टा सीधा करके पेश कर दिया जाता है। हम सब बमैन 7 अरब इंसानों के हम पेपर दे रहे हैं, हम इम्तिहान गाह में बैठे हैं। ये आइडियल होम ना बन सकता है, ना बनेगा, ना बनाने वाले ने इसे आइडियल होम बनाया है। ये तो हम दीवाने हैं कि चंद साल ज़िंदगी में इसको आइडियल होम बनाना चाहते हैं। गुजरगाह है, मुसाफिर खाना है, और इस पर जायद क्या है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल, कि उसने इसलिए हमें पैदा किया है कि हमें देखना चाहता है कि अपने अमल को खूबसूरत कौन बनाता है और दुनिया के ठीकरों पे कौन बिक जाता है, अपनी शख्सियत को कौन बनाता है और चीज़ों पर कौन बिक जाता है। ये पेपर हो रहा है। अब वो पेपर कैसे हल करना है, ये इल्म हमारे पास कोई नहीं है। उसके लिए 1,24,000 अंबिया को अल्लाह ने भेजा कि जब उन्हें बताओ कि पेपर हल कैसे करना। तो सबसे आखिर में अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। आखिरी किताब, आखिरी नबी, आखिरी रसूल। तो आपका मिशन भी यही था कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। पिछली किताबों से आप, चूँकि आप वजह कायनात हैं, अबू हुरैरा ने एक दफ़ा आपसे पूछा या रसूलल्लाह आपको नबूवत कब मिली थी, तो अभी रबीउल अव्वल गुज़रा है, हम गुज़र रहा है, तो 2-3-4 दिन बाकी हैं। हम कितने जलसे होते रहे उसमें, आप ये इस तारीख को पैदा हुए, इस तारीख को इंतकाल फरमाया, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 63 साल जो उम्र में इंतकाल फरमाया। अपने नबी का जवाब सुने, या रसूल अल्लाह आपको नबूवत कब मिली, तो क्या जवाब है, 40 साल। किताबी जवाब जो मैं ढूंढ के आपको बता रहा हूँ, 40 साल 6 महीने 10 दिन। और ये हैं, ये कैलकुलेशन है मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल के लिहाज से, दिसंबर जनवरी फरवरी के लिहाज से नहीं, उस लिहाज से उम्र और कम होगी। 40 साल 6 माह 10 दिन। तो ये तो कैलकुलेटेड जवाब था, तो आप कह ये जवाब आप ना देते, आप फरमाते अबू हुरैरा 40 साल की उम्र में मैं नबी बना, लेकिन मेरे नबी ने जवाब क्या दिया, कुंत नबीन व इन आदम बैन रूह वल जसद। अबू हुरैरा, अभी आदम की मिट्टी इकट्ठी नहीं हुई थी और मैं नबी बन चुका था। तो आप तो वजह कायनात हैं, आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का अल्लाह ने निकाह फरमाया तो कहा आदम महर अदा करो अपनी बेगम का। कहने लगे जी क्या अदा करूं, तो निकाह तो जन्नत में हो रहा है, जन्नत सोने चांदी से भरी पड़ी है, तो मतलब क्या कहता है, इतना जेवर डाल दो, इतना सोना दे दो। मेरे अल्लाह ने कहा आदम आपकी नस्ल में मेरे आखिरी नबी आएंगे, उन पे एक दरूद पढ़ दे, बस यही महर है, यही महर है। तो इससे और थोड़ा पीछे चले जाएं, मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पैदाइश कायनात, पैदाइश आदम नहीं, पैदाइश आदम तो बहुत थोड़ी उम्र है, पैदाइश कायनात को 25-30 अरब साल हो चुके हैं। पैदाइश कायनात से 1,000 साल पहले अल्लाह ताला ने सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। एक हदीस और जोड़ दूँ साथ, मेरे नबी ने फरमाया इन्नली इंदल्लाह अशरत अस्मा, मेरे अल्लाह ने 10 नाम रखे हैं, मैं मोहम्मद, अहमद, माही, हाशिर, आकिब, फातह, खातिम, अबुल कासिम, ताहा, यासीन। ये आपने एक ही रिवायत में, एक हदीस में आपने अपने 10 नाम बताए। वैसे तो आपके
صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں. جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیرہ، مدثر، مزمل، عزیز، رحیم، رعوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے، حدیث میں بھی ہمیں نظر آتے. اس میں ایک نام ہے آخری، یاسین. کیا ہے بولیں؟ اب سنیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. صرف پہلی 3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے، باقی مضامین تو وہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں، لیکن پہلے 2-3 جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دہرائے نہیں گئے. یاسین، اب آپ اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے. ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، تو اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا صرف اس ایک لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے. اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے، اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے. استعداد موجود ہے، فألہمہا فجورہا وتقواہا، تیرے اندر برائی کی پہچان بھی ڈال دی، برائی کا راستہ بھی تیرے اندر ڈال دیا اور اچھائی کا بھی.